हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एवरस्टडी क्लासेस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी 5 मिनट सीरीज में, जहां पे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट से रिलेटेड। आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको सर डिस्कस करना है वो जुड़ा है हमारे मैनेजमेंट से। हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं वो आज हमें आपके साथ जो है डिस्कस करने हैं। चलिए तो आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको जल्दी से हमारे कोर्सेज के बारे में बता देता हूं, जो कि यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट दिसंबर 2019 के लिए अवेलेबल है हमारे पास। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास एक फ्री यूनिट स्नैपशॉट कोर्स है जिसमें आपको फ्री समरी नोट्स मिल जाएंगे डिफरेंट यूनिट्स के ऊपर पेपर 2 के लिए, और इसके अलावा जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनका कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आपको मिल जाएगा, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स को यूनिट वाइज कवर किया गया है और हर एक क्वेश्चन की वहां पे आपको एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी। इसके अलावा एक हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज है जो कि बिल्कुल सेम पैटर्न में डिजाइंड है जैसा एक्चुअल में एनटीए नेट का एग्जाम होता है। तो वहां पे आपको ढेर सारे एमसीक्यूज मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, और इसके अलावा फुल वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है जिसके अंदर आपको पेपर टू कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट उनके 100% कंप्लीट कवरेज मिलेगी थ्रू वीडियोस, नोट्स एंड एमसीक्यूज। और इन सभी कोर्सेज का कॉम्बो पैकेज भी आप अवेल कर सकते हैं और अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स इस पे अवेल आप कर सकते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स, ये जो प्रिंसिपल्स हमें दिए हैं हेनरी फयोल ने, जिन्हें हम रियल फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट जो है रिगार्ड करते हैं। देखिए, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बुक भी लिखी है जिसका नाम हमें याद होना चाहिए। बुक है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। उन्होंने ये बुक को फ्रेंच में लिखा था और इसे बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, और इन्हें फादर ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए जो कि जनरल प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, जिन्हें आप जो है यूनिवर्सली अप्लाई कर सकते हैं। कौन से हैं ये 14 प्रिंसिपल्स, आइए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं 14 प्रिंसिपल्स जो कि हमें हेनरी फयोल ने दिए हैं। तो हम जल्दी से इन प्रिंसिपल्स को ब्रीफली एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास है डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए, जो भी काम है उसे आप बांट दीजिए इंडिविजुअल्स के बीच में, जिसकी जो स्पेशलाइजेशन है उसे वो काम दीजिए ताकि एंड में जो काम है वो अच्छे से एफिशिएंटली हो सके। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ मूव करती हैं। अगर आप किसी को अथॉरिटी देते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल भी है उस काम को पूरा करने के लिए। इसके अलावा डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है, हर किसी की लाइफ में डिसिप्लिन जरूरी है, और जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं प्रॉपर डिसिप्लिन होने चाहिए, ऑबीडियंस होनी चाहिए, उनके बिहेवियर में हमें डिसिप्लिन दिखना चाहिए और रिस्पेक्ट जो है उन्हें देनी चाहिए अपने फेलो एम्प्लॉयज को और अपने सुपीरियर्स को। इसके बाद है यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए, आपको जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो केवल एक बॉस से मिलने चाहिए। अगर ढेर सारे बॉसेस आपको ऑर्डर्स देंगे तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको अपनी पढ़ाई एक किताब से पहले कर लेनी चाहिए, अगर ढेर सारी किताबें आप पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके बाद है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आपका जो उद्देश्य है, आपका जो गोल है, वो केवल एक होना चाहिए। जैसे हमारे क्रिकेट मैच की टीम के अंदर टीम का जो गोल है वो है टीम को मैच जिताना। इंडिविजुअल गोल जो है यहाँ पे रिलेवेंट हमारे लिए नहीं है, सबका एक गोल यहाँ पे होना जरूरी है। इसी से जुड़ा हुआ हमारा प्रिंसिपल है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट। हर एक इंडिविजुअल के कुछ पर्सनल इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, जैसे क्रिकेट टीम के अंदर एक प्लेयर का इंटरेस्ट हो सकता है ज्यादा सिक्सेस लगाना, हाई स्कोर जो है बनाना, मैन ऑफ द मैच बनना, बट वो जो उसका इंटरेस्ट है वो टीम का जो इंटरेस्ट है मैच को जीतना उससे नीचे आता है, वो उसके सबॉर्डिनेट में आता है। इसके बाद है रेम्यूनरेशन। देखिए, आपसे आपको लोगों से काम करवाना है तो उन्हें प्रॉपर सैलरी आपको देनी पड़ेगी। अगर रेम्यूनरेशन फेयर है और एम्प्लॉई सेटिस्फाइड है तभी वो आपके साथ काम करेंगे। इसके बाद है सेंट्रलाइजेशन। देखिए, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे एक प्रिंसिपल है। कितनी सेंट्रलाइजेशन होगी, यानी कि कितनी पावर जो है जो सुपीरियर्स हैं अपने पास रखेंगे, और कितनी डिसेंट्रलाइजेशन होगी यानी कि कितनी पावर्स सबॉर्डिनेट्स को दी जाएंगी, ये डिपेंड करेगा सर्कमस्टांस टू सर्कमस्टांस, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन जैसा आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, इसका मतलब है कि एक प्रॉपर हायरार्की होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में कि कैसे अथॉरिटी और कम्युनिकेशन फ्लो हमारा करेगी। सॉरी, जैसे ए के बाद है बी, बी के बाद है डी, डी के बाद है एफ। तो एक प्रॉपर अथॉरिटी, प्रॉपर हमारे लिए चेन होना यहाँ पे जरूरी है। बट यहाँ पे हेनरी फयोल ने यह भी बताया कि ये चेन को अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे
तो आपको अगर कोई अर्जेंट कम्युनिकेशन करना है तो उसमें दिक्कत आ सकती है, तो वहां पे आप गैंग प्लैंक का यूज करके कम्युनिकेशन अपनी हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं। सेम लेवल ऑफ सबॉर्डिनेट से आप जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर भी। चलिए इसके बाद आता है आपका ऑर्डर। देखिए ऑर्डर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपकी मम्मी आपको छोटे होते कहती थी कि अपना सामान जो है बिल्कुल सही जगह पे आपको रखना है, ऐसे सामान को फैला के नहीं रखना। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जो भी सामान है वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए और जिस काम को जिस पर्सन ने करना है आपको उसे ही उसे असाइन करना चाहिए। देयर शुड बी अ राइट मैन फॉर द राइट जॉब। इसके बाद है इक्विटी। इक्विटी का मतलब है कि आप अपने एम्प्लॉइज को इक्वली ट्रीट करें, भेदभाव ना करें, सबके साथ जो है अच्छा बर्ताव जो है आप करें। इसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। तो जो आपके साथ लोग जुड़े हैं आप उन्हें एक स्टेबल टेन्योर दें, ये आपके लिए भी जरूरी है उनके लिए भी जरूरी है। अगर रेगुलरली इंप्लॉइज बदलेंगे तो आपको नए इंप्लॉइज को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, सिलेक्शन पे खर्चा करना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा, तो ये आपके लिए भी ज्यादा फीसिबल नहीं है। इसके बाद है इनिशिएटिव। तो एक मैनेजर को अपने सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट करना है कि वो इनिशिएटिव लें और आगे बढ़े। इसके बाद है स्पिरिट डी कॉप्स। इसका मतलब है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब है कि एकता में बल है। तो यहां पे जो भी हमारे लोग काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, उन्हें क्या करना है, आपस में मिलके अच्छे रिलेशंस बनाकर काम करना है। अगर मिलकर काम करेंगे तो डेफिनेटली अपने गोल्स को अचीव हम कर लेंगे। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट्स के थ्रू बताइए और हम आपको रिवर्ट करेंगे कि आपने इसका आंसर हमें सही बताया है या फिर नहीं बताया है। चलिए तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। आपकी क्वेरी है हमारे कोर्सेज से रिलेटेड तो आप हमें जो मेल आईडी आपको दिया है hello@everstudy.in यहाँ पे मेल कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमसे बात करने के लिए या फिर व्हाट्सएप करने के लिए इस नंबर का यूज आप कर सकते हैं। और आप हमारी जो ऐप है एंड्रॉइड ऐप है वो भी आप हमारी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। और आपको कोई भी डिटेल चाहिए हमारे कोर्सेज के बारे में तो आप हमारी जो वेबसाइट है www.everstudy.co.in वहां भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।